अस्सलाम वालेकुम। ऑल राजस्थान मुस्लिम सिलावत वेलफेयर संस्थान के प्रदेश कोषाध्यक्ष जनाब इबाउद्दीन बल्खी साहब मकराना से शिवगंज जिला सिरोही तशरीफ लाए और आप ऑल राजस्थान मुस्लिम सिलावत वेलफेयर संस्थान को मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर युवा कमेटियाँ बनाने के लिए आपने आह्वान किया और हमारे साथ सुबह से ही इमामुद्दीन जी शिवगंज की अलग अलग जगहों पर तशरीफ़ लाए और यहाँ के मौजीज हजरात से मुलाकात की और ऑल राजस्थान मुस्लिम सिलावत वेलफेयर संस्थान को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आपने सभी को आग्रह किया और मैं प्रदेश के सभी सिलावट समाज के बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नसीब माँ और बहनों सभी से गुजारिश करूंगा कि आप सभी ऑल राजस्थान मुस्लिम सिलावट वेलफेयर संस्थान को आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाएं, जिससे आने वाले समय में हम MBC आरक्षण को आगे बढ़ाने के लिए पुरजोर कोशिश कर सके और आने वाले जो भी खर्चे हैं उनको हम आसानी से उठा सके और आगे काम बढ़ा सके। और मैं यही कहूंगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए कारवा बनता गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ऑल राजस्थान मुस्लिम सिलावट समाज को प्रदेश के सभी सिलावट समाज के भाइयों, बुजुर्गों, साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप सभी मजबूत बनाएं और इस संस्थान से जुड़े और सिलावट समाज को प्रदेश में मजबूत बनाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मिलने के लिए आया और सब भाइयों से, जितने भी अपने मेंबर हैं उन सब से मुलाकात की है और सबको दिल से कहा है कि अपनी संस्था को मजबूत बनाएं और आगे इनको आगे से आगे बढ़ाएं। कहा वाले इमामुद्दीन जी बल्खी साहब मकराना से जो वेलफेयर संस्थान के सचिव है वो यहाँ पहुँचे और हमने इनका इस्तकबाल किया और हम इंशाल्लाह पूर्ण जोर कोशिश करेंगे कि हम इस संस्थान को आगे कैसे उसका उत्थान हो सके, उसके लिए हम पूर्ण जोर कोशिश करेंगे। स्वागत। अब मान लिया।